सब्सक्राइब कीजिए इंडियन रोजगार यूट्यूब चैनल को इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर और इस घंटी को दबाइए ताकि आप पास के हर नई सरकारी नौकरी एडमिट कार्ड एग्जाम रिजल्ट से जुड़ी सूचनाएं सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन रोजगार में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार आपको जो है पैन कार्ड का ऑफलाइन फॉर्म फिल करना है और किस प्रकार आपको जो है ये फॉर्म सेंड करना है, क्या क्या प्रोसीजर होता है पैन कार्ड बनवाने के लिए। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, ये हमारे पास ऑफलाइन फॉर्म है पैन कार्ड का, इसे आप किसी भी ऑफलाइन फॉर्म दुकान, पोस्ट ऑफिस या फिर दोस्तों किसी भी शॉप से जो है परचेज कर सकते हैं। ₹2 का आपका ये फॉर्म मिल जाएगा। उसके बाद इसको आपको जो है प्रॉपरली भरना होता है। यहाँ पर आपको जो है दो पासपोर्ट साइज फोटोज चाहिए होते हैं, रेड बैकग्राउंड के साथ है तो काफी अच्छा है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है और एक एक सिग्नेचर इन दोनों फोटोज पर करना है। आधा आधा सिग्नेचर आपका जो है फोटो पर होना चाहिए और आधा जो है नीचे होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है अपना श्री जो भी आप नाम के आगे लगाते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो आपको लास्ट नेम में अपना जो है लास्ट नेम भरना है, सरनेम भरना है और उसके बाद फुल फर्स्ट नेम में आप जो है अपना नाम भर सकते हैं जो भी आपका नाम है। उसके बाद यहाँ पर जो आप जो है नंबर दो पर आप जो पैन कार्ड में जो नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर नंबर दो पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर लिखना है आप किसी नंबर तीन को आप जो है सिंपली स्किप कर सकते हैं, इसको आप जो है स्किप कर सकते हैं। उसके बाद जो नंबर चार आता है उसमें आपको जो है अपना जेंडर लिखना है। नंबर पांच में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ निकलनी है, जो आपकी आधार कार्ड जो फिर अगर और डॉक्यूमेंट्स में आपकी डेट ऑफ बर्थ हो वही लिखनी है। नंबर छह में दोस्तों आपको जो है अपने फादर का लास्ट नेम लिखना है, फिर फर्स्ट नेम लिखना है और मदर नेम ऑप्शनल है, इसे आप जो है भर सकते हैं आपकी मर्जी है, तो लास्ट नेम फिर मदर का फर्स्ट नेम लिखना है। उसके बाद दोस्तों नंबर सात पर आता है आपका एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस आप जहां पर जो अपना ये फॉर्म जो है आपका पैन कार्ड जहां पर आएगा प्रॉपरली एड्रेस दीजिएगा। यहाँ पर आपको स्टेट लिखना है, यहाँ पर पिन कोड लिखना है आपके डिस्ट्रिक्ट का, यहाँ पर कंट्री कोड लिखना है। नंबर आठ पर नंबर सात दोस्तों ये आप जो है स्किप कर सकते हैं ऑफिस एड्रेस को। और दोस्तों जो आठ नंबर आता है वो आता है आपका एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, यानी जो रेजिडेंस पर आपको सिंपल टिक करना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है, जो भी आपका जो है मोबाइल नंबर है जिससे आपको कम्युनिकेट किया जा सके। ईमेल आईडी भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, जो अपनी ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप जो है किस प्रकार का पैन कार्ड चाहते हैं, कंपनी के लिए चाहते हैं, स्वयं के लिए चाहते हैं, यहाँ पर जो है यहाँ पर टिक कर दीजिएगा इंडिविजुअल के लिए। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको 11 नंबर स्किप कर देना है। 12 नंबर भी आप जो है आधार कार्ड भरना है, पूरी आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो आपको जो है 12 नंबर में भरना है। ये देखिए दोस्तों जो 12 नंबर है उसमें आपको जो अपना आधार कार्ड भरना है। उसके बाद जो 13 नंबर आता है वो आता है सोर्स ऑफ इनकम, इसको जो है आप अपने अकॉर्डिंग टिक कर सकते हैं। उसके बाद जो 14 को आप जो है स्किप कर सकते हैं। 15th आता है आपका डॉक्यूमेंट सबमिटेड, यानी आप जो है इस पैन कार्ड के फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, 10th मार्कशीट हो गई, यहाँ पर आपको सिंपल लिखना है मैट्रिक सर्टिफिकेट एज आइडेंटिटी ऑफ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखना है और उसके बाद आधार कार्ड यहाँ पर लिखना है एज ए डेट ऑफ बर्थ, यानी जो आधार कार्ड आप जो है लगा रहे हैं और आपको जो इसके साथ मैट्रिक सर्टिफिकेट लगाना है। और बस यहाँ पर दोस्तों अपने अपने सिग्नेचर करने हैं, यहाँ पर प्लेस लिखना है, यहाँ पर दोस्तों आपको प्लेस लिखना है और यहाँ पर डेट जिस दिन आप जो है अप्लाई कर रहे हैं उस दिन का आपको यहाँ पर लिख देना है। तो दोस्तों ये था आपका जो है पैन कार्ड बनवाने का पूरा प्रोसीजर। एक बार फिर से आपको मैं जो रिपीट कर दे रहा हूँ, वीडियो क्वालिटी के लिए माफी चाहता हूँ क्योंकि मैं फोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसके लिए आपसे बहुत बहुत जो है माफी मांग रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको अपने रेड बैकग्राउंड के साथ जो है दो फोटोज लगाने हैं, आधे सिग्नेचर आपको फोटो पर करने हैं और आधे पेज पर सिग्नेचर करने हैं इस प्रकार इसी फोटो के साथ। और यहाँ पर दोस्तों आपको अपने जो है सिग्नेचर करने हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो आपको अपना फुल नेम देना है, श्रीमती श्री जो भी आप आगे लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो लास्ट नेम आपका जो सरनेम है, फिर आपका जो फर्स्ट नेम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपका जो है यहाँ पर एब्रीवेशन, यानी जो आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, जैसे आपका यहाँ पर फुल नेम लिख दीजिए। उसके बाद तीसरा को आप स्किप करना है, जेंडर आपको नंबर चार में आपको अपना जेंडर भरना है, नंबर पांच में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है, नंबर
छह में आपको जो है अपने फादर नेम, फादर की डिटेल भरनी है, लास्ट नेम फर्स्ट नेम, फिर मदर नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम। इसी प्रकार दोस्तों मदर का नेम जो है यहाँ पर ऑप्शनल है, इसे आप टिक कर दीजिएगा या फिर भर दीजिए, मर्जी है आपकी। सेवंथ में आपको जो है अपना रेजिडेंशियल एड्रेस भरना है, जहां पर आपको पैन कार्ड प्राप्त होगा, यहाँ पर पूरी डिटेल से भरिएगा, यहाँ पर स्टेट, यहाँ पर जो है पिन कोड, यहाँ पर कंट्री कोड, यहाँ पर टाउन या डिस्ट्रिक्ट भर देना है। उसके बाद ये ऑफिस एड्रेस आपको नहीं भरना है, क्योंकि आपको यहाँ पर टिक करना है रेजिडेंसी, यानी जहां पर आप अपना पैन कार्ड चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भरना है और यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी। नंबर 10 पर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर टिक कर सकते हैं। अगर आप कंपनी के लिए बनवाना चाहते हैं तो यहाँ पर कंपनी, या फिर इंडिविजुअल बनवाना चाहते हैं तो इंडिविजुअल पर क्लिक कर लीजिएगा। नंबर 10, 11 को आपको स्किप कर देना है। नंबर 12 में आपको जो अपना आधार कार्ड डिटेल्स भरनी है, आधार कार्ड नंबर भरना है, यहाँ पर आपका जो नाम है एज आधार कार्ड जो है आपका नाम भरना है। नंबर 13 पर आप अपने अकॉर्डिंग टिक कर सकते हैं सैलरी, बिजनेस, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पर जो है टिक कीजिएगा। नंबर 14 पर आपको जो है, नंबर 14 आपको स्किप करना है, यहाँ पर आपको जो है स्किप करना है। और नंबर 15 पर आपको जो है डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं इस पैन कार्ड के फॉर्म के साथ, यानी 10th मार्कशीट हो गई, आधार कार्ड हो गया, यहाँ पर टिक करना है आई, यानी वी हैव एनक्लोज्ड, मैट्रिक सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड डैश एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी आपको जो 3 IDs लगानी है, यहाँ पर आपको सिंपल लिख देना है उन्हें 3 IDs के नाम। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको प्लेस लिखना है जहां पर आप फॉर्म भर रहे हैं, डेट यानी जिस दिन आप जो है फॉर्म भर रहे हैं, यहाँ पर आपके सिग्नेचर होंगे। ये था दोस्तों आपको जो है किस प्रकार ऑफलाइन फॉर्म भरना है। ये फॉर्म आपको किसी भी जो है ऑफलाइन फॉर्म की दुकान या फिर किसी भी दुकान से आपको फॉर्म मिल सकता है। इसके बाद आपको जो है ये फॉर्म जो है जमा करवाना है नजदीकी सेंटर पर, आप इसे जमा करा सकते हैं। ₹110 की आपकी फीस जो है चार्ज होगी, और उसके साथ ही आपको एक स्लिप मिल जाएगी पैन कार्ड की, और थोड़े दिन बाद आपको जो है आपका पैन कार्ड आ जाएगा। 2 से 3 वीक्स के अंदर ही आपका जो है पैन कार्ड बनकर आ जाता है आपके एड्रेस पर। तो दोस्तों इस प्रकार जो है आप अपना पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी जो है जानकारी अगर आपको नहीं मिली है इस वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो को जितना हो उसके शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है, और इस प्रकार की वीडियोज आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।